ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च कर शहर के विभिन्न स्थानों में लगाए गए वाटर एटीएम कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। वाटर एटीएम में दुकानदार अपने कबाड़ सामानों को रख रहे हैं, जिसे देखकर भी निगम के जिम्मेदार अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। शहर के सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने नगर निगम प्रशासन द्वारा वाटर एटीएम लगाए गए थे। स्थापना के कुछ दिनों तक तो लोगों को वाटर एटीएम का लाभ मिलता रहा, लेकिन पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं किए जाने की वजह से कारगर साबित नहीं हो सके। ये वाटर एटीएम अब कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे बनाए गए वाटर एटीएम में आसपास के दुकानदार अपने सामानों को रखने का कार्य करते हैं, जो गोडाउन बन चुका है। नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राई नगर निगम द्वारा 2017-18 में एक बिना औचित्य उन स्थलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर एक एक एटीएम के पीछे 20 लाख रुपए की लागत बनाकर करीब 5 एटीएम भिलाई क्षेत्र में लगाए, उसमें से एक अंडरब्रिज के किनारे, एक पावर हाउस चौक के किनारे नीचे में, और उसी प्रकार से सुपेला, वैशाली नगर और एक वैशाली नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में आता। साथ ही और भी अतिरिक्त एटीएम पानी लगाया गया है। केवल राई नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के कमीशन के आड़ पर केवल जनता का रुपयों का बर्बादी हुआ है, जिसका साक्षात आप इस एटीएम प्याव को देख के लगा सकते हैं। बहरहाल वाटर एटीएम के कबाड़ में तब्दील हो जाने से अब लोगों को 1 रुपए में शुद्ध पेयजल प्राप्त होना बंद हो चुका है। नगर निगम की यह योजना नगर निगम के कारण ही धराशायी हो चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।